राइट मोर द विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद अतिरिक्त रन के साथ यहां पर खाता खोला जा रहा है। व्हाइट गेंद का इशारा आता हुआ और एक रन मिलेगा। इस ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद सामने खेला इस गेंद को और पहला छक्का आता हुआ यहां पर छक्के के साथ शुरुआत अपने खाते की करते हुए रन संख्या 7 पर। गणेश जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ गेंदबाज का स्वागत किया रन संख्या 7 पर। अच्छी गेंद बढ़िया गेंद थी डिफेंस करना चाहते थे थोड़ी सी हल्के से बाहर की तरफ जाती हुई सीधे विकेट के पर के दस्तानों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज के दिन का अभी भी एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बाकी है आने वाला। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी टाइमिंग नहीं कर पाए बिल्कुल फील्डर को चुन लिया फील्डर के हाथों में जाती गेंद कोई रन नहीं रन संख्या 7 पर जो कि पहले बल्लेबाजी यहां पर करते हुए साल दिगोवा ओपनिंग जोड़ी गणेश और नागेश बल्लेबाजी के लिए। देवेश इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद पोल किया इस गेंद को बढ़िया और देखे फील्डर वहां पर खड़े डीप पर फील्डर थे एक रन मिलेगा एक रन के चलते रन संख्या 8 पर पहुंचती हुई पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ और 7 रन पर जो कि गणेश बल्लेबाजी करते हुए पहली मर्तबा स्ट्राइक गेंद पर नागेश बल्लेबाजी के लिए। और की अगली गेंद लेकर देवेश हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से सामने से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज नागेश अभी भी खाता खोलना बाकी ओ कलाई के साथ खेल दिया गेंद को स्वेट स्वेयर लेग पर फील्डर खड़े लेकिन उतनी तेजी के साथ रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज अच्छी क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा स्ट्राइक को यहां पर रोटेट किया और स्ट्राइक पर नागेश आ गए विस्फोटक बल्लेबाज जो कि खाता खोला 6 रनों के साथ और अपने हौसले को बुलंद किया रन संख्या 9 पर पहुंचती हुई पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ। आखिरी गेंद ओ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश गेंद नौ में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और कोई गलती नहीं की आखिरी गेंद के ऊपर ये सफलता दिलाती हुई विस्फोटक बल्लेबाज को चलता किया यहां पर देवेश ने डीजे। न्यू बैटर मैदान पर सतीश नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक पर नागेश अभी अभी एक बल्लेबाज आउट हुआ अंपायर का इशारा आता हुआ हमारी तरफ बैटिंग चॉइस पावर प्ले का यानी कि सुपर क्यू ओवर 11 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर हो गए और गेंदबाजी के लिए देखना होगा कौन आएगा गेंदबाज। विजय आते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए पहले दिन में बेहतरीन गेंदबाजी की थी इस सुपर क्यू ओवर में जिन्होंने लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 सफलता हासिल की थी 2 रन दिए थे उस ओवर में केवल विजय दुर्वाली एंड से कलंगुट राउंड से गेंदबाजी करेंगे। राइटम ओवर देश स्ट्राइक बल्लेबाज नागेश बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद लेकर
शॉर्ट पिच गेंद पुल किया इस गेंद को और देखना है फील्डर 38 सर्कल के अंदर होते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई। पंद्रह पर दूसरा ओवर जो कि पावर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का चलता हुआ और आते आते स्वागत किया गेंदबाज का 6 रनों के साथ नागेश ने। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की लेकिन गेंद 38 सर्कल के अंदर फील्ड हो जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या 15 पर दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ और की अगली गेंद लेकर विजय रैटम और देखे तीसरी गेंद इस ओवर से ओ इनसाइड एज जो विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी, प्रयास बहुत ही बढ़िया था विकेट कीपर का, कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या 15 पर रुकी हुई। पहली गेंद के ऊपर छक्का उसके बाद डॉट गेंद उसके बाद तीसरी डॉट गेंद एक बड़ा ओवर चलता हुआ इस मैदान के अंदर। दुरवाली एंड से फिर से एक बार विजय चौथी गेंद लेकर इस ओवर से ओ ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद थी यहां पर बल्लेबाज ने पीछा किया था उस गेंद का लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा। एक रन के चलते रन संख्या 16 पर पहुंचती हुई एक विकेट के नुकसान पर। साल्दी गोवा यहां पर पहले बल्लेबाजी कर रही है, दूसरा ओवर प्रगति पर है, रन संख्या 16 पर पहुंचती हुई। और इस बीच बड़ा शॉट आगे डाली गेंद आबोली बनाकर खेला इस गेंद को गेंद वंस बाउंस सिम 6 रन के लिए जाती हुई और छक्के के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ा 22 रन पर। नेल्सन फिगर में 22 रन दूसरा एक बड़ा ओवर चलता हुआ 12 रन अभी तक खर्च कर चुके इस ओवर में दो बड़े छक्के नागेश के बल्ले से आते हुए। आगे डाली गेंद बल्लेबाज को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया लेकिन फील्डर वहां पर खड़े थे शॉर्ट मिड ऑन पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या 22 पर रुकती हुई दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी सामने नागेश बल्लेबाजी के लिए दो छक्के के मदद से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल बढ़िया शॉट लेकिन यहां पर फील्डिंग करते अच्छी फील्डिंग मौका बना यहां पर विकेट कीपर के लिए थ्रो अच्छा था और अच्छे कलेक्ट किया और चलता किया बल्लेबाज को दूसरा विकेट गिरता हुआ इस आखिरी गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में से बिना कोई गेंद खेल के और बिना कोई रन बनाकर वापस लौटते हुए डीजे। मैदान पर निकले बॉलर को हेलो बॉलर ने देवेश गेंदबाजी के लिए पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे शॉर्ट कवर पर फील्डर खड़े थे उनके हाथों में जाती गेंद कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। दो ओवर और एक गेंद के समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 22 पर रुकती हुई
तीसरा ओवर प्रगति पर देवेश रट्टा मोर देखे, दूसरे गेंद लेकर नागेश के लिए आगे निकलकर खेलने की कोशिश थी, पढ़ने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई, विकेट कीपर के दस्ताना में कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या 22 पर। अच्छी गेंदबाजी देवेश की, नष्ट गेंद पर नए बल्लेबाज नितिन बल्लेबाजी के लिए। ओ बढ़िया गेंद, विकेट कीपर काफी उत्साहित दिखाई देते हुए, शायद लगा उनको बल्ले का एज लिया गेंद ले, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं इस अपील का। सुरक्षित अपने पॉप इन क्रीज पर नागेश, अच्छी गेंदबाजी देवेश की, लगातार डॉट गेंदे निकालने में कामयाब होते हुए हमारे कॉमेंटर से इनसे गेंदबाजी करते हुए। ओ कलाई के साथ खेल दिया इस गेंद को, शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंद जाती फील्ड करते तब तक सिंगल चुरा लिया, सिंगल के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 23 रन, 23 लौसा पर 2 विकेट। तीसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इस दोनों टीमों के बीच में, शांता दुर्गा मैचेस और साल्दी गोवा यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। 2 ओवर और 4 गेंदे समाप्त हो चुके, रन संख्या 23 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब पहली मरतबा स्ट्राइक पर नितिन अगली गेंद का सामना करेंगे, 5वीं गेंद इस ओवर से आगे डाली, बल्लेबाज को मजबूर किया, स्टेयर किया इस गेंद को, केवल सिंगल रन मिलेगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, सिंगल के चलते रन संख्या 26 पर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर साल्दी गोवा। अच्छी गेंदबाजी देवेश की तारीफ करनी होगी इस ओवर में, बेहतरीन गेंदबाजी नागेश जैसे बल्लेबाज को उन्होंने खामोश रखा है, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे, वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। आखिरी गेंद लेकर इस तीसरे ओवर से और सामने बल्लेबाजी के लिए नागेश बल्लेबाज। आखिरी गेंद इस ओवर से तीसरे ओवर की, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, स्टेयर किया इस गेंद को खूबसूरती के साथ, सिंगल निकाल दिया और स्ट्राइक अपने आप पर रखा और एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 25 पर, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर साल्दी गोवा 25 रन। आने वाली 3 ओवर है, यानी कि 18 गेंदे, क्या होगा इस 18 गेंदों में। के लिए मेरे साथ आ रहे हैं, जुड़ जाते हैं मिस्टर विनायक जी के पास में, माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ, तब तक आपकी रजा लेता हूँ, धन्यवाद। हम दो बातें सुनना चाहेंगे आसानी से, अपने टीम की परफॉर्मेंस और उसी तरह क्या टारगेट सेट किए उन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पे। सनी, गेम तो खरे नहीं बरी दादा, सो दोगांक स्कोर मारपाक जाए, सो फर्स्ट बैटिंग तेंची, सो तेंच्यानी ऑब्वियसली टारगेट धरला आसतलो स्कोराक, आनी आमचे बॉलर्स खऱ्यांनीच बरे काम करता, सो तेंच्यानी बरो डिफेंडिंग स्कोर धरतले म्हणून आशा आहा, इतलेच सांगता। थँक्यू सनी, फर्स्ट इनिंग इन प्रोग्रेस, थर्ड क्वार्टर फायनल फॉर द डे। पिच गेम नागेश, चाहिए मैच में एक अच्छा फाइटिंग टोटल होता है मैदान पर, क्योंकि अच्छा विकेट है, मैदान भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा बड़ा मैदान है, तो 60-65 का टोटल, लेकिन सामने शांता दुर्गा स्मैशर्स क्रिकेट टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही है, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है, स्कोर अभी भी रुका हुआ जो चौथा ओवर चालू है 26-26। अच्छी शुरुआत यहाँ पे चौथे ओवर को, अशोक जी क्या लग रहा है आपको, क्या टारगेट की ओर यहाँ पे साल दिखाना चाहेंगे।
अपने टीम के लिए? हाँ सर बिल्कुल, 60 तो होना चाहिए साल्दी गोवा क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, 60 का टोटल अच्छा रहेगा, लेकिन देखना होगा किस तरह से आने वाले बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। जुड़ न्यू बैटर, एक बिल्कुल बड़े शॉट के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है, चौके छक्का लगाता है और उनके ऊपर अब दारोमदार होगी। तो चौथे ओवर में एक बार फिर से अनिल आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार पर, अगली गेंद लेकर 26 रन 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, मालूम है विकटे गिर रहे हैं तो थोड़ी सूझबूझ की संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और वही काम किया जुड़ने का, अच्छी गेंद को सम्मान किया, सिलेबेड अपर फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ स्कोरबोर्ड पर 26 26 पर 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ यहाँ पे कमेंट्री पैनल में है 12 मैन फॉर साल्दी गोवा प्लेयर साहब को हम रूपेश एमएस ध्रुव से नाम के जानते हैं हमको, आने मुठा थोड़ा यहाँ पे मैच का अगली गेम जीत के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहा अभी तक बल्लेबाजों को, टीम ओनर साहिब भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे अपने टीम को चीयर करते हुए, उसी तरह टॉप मैन भूपेश बल्ले का बाहर किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो विनायक सर थोड़ी सी चर्चा इन्हीं के साथ जरूर हम जारी रखेंगे इस टूर्नामेंट के साथ। रूपेश जोशी उसके साथ यहाँ पे उठाया और एक बल्लेबाज चलता बन रहा है यहाँ पे पवेलियन, नए बल्लेबाज साल्दी गोवा की तरफ से आ रहे हैं। इस बार छोटी गेंद हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद सीमारेखा से बाहर, सुपर क्रू सिक्सर रिक्वेस्टिंग कैप्टन फुकन दोन स्ट्राइकर्स एंड स्टार्टर्स करेंगे बस अटैक आ गया पचन कैप्टन फॉर स्टार्टर्स एंड कंदलम स्ट्राइकर्स। खराब गेंद थी आखिर की गेंद यहाँ पे अनिल ने की, उसका पूरा फायदा झुकने लगाया सीधे स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन।
NSL Stadium for the final, quarter final. टीम अपना दिख रहे हैं यहाँ पे, अपनी टीम शानदार मैचेस को लेकर उसी तरह यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सदस्य प्लेयर है तुमसे कॉल करेंगे निकेश तंका कमेंट्री पैनल फटलन कॉल कर लिया सर स्टार्ट दस प्लेयर्स थैंक यू सामने एक बार फिर से उदय अपने बॉलिंग बार पर खेल जारी पांचवे ओवर का और बैटर जुड़ शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार थोड़े से ऊंचा रिक्वेस्टिंग ज्यादा ऊंचा भीषण सागर यानी मंच पर रिक्वेस्टिंग भीषण सागर सुदेश मयेकर रिक्वेस्ट कर देगा स्कोर कर पास बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर उदय के द्वारा लगातार चार डॉट गेंदे बिंदी गेंदे चार लगातार स्कोर बोर्ड पर स्कोर 34 रन चार विकेट पर 34 लॉस ऑफ फोर विकेट 34 रन चार विकेट पर टॉस गेंद इस बार लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर सिक्सर छह रन के बाउंड्री के बाद उसी के साथ हाँ छह रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 40 40 रन अभी तक बचे साल दिगर के जैसे कि पिच का रहा शायद पार स्कोर कर सकते हैं इस मैच में ओ पिच के लिए उठाया मिड विकेट की दिशा में और ड्रॉप खराब फील्डिंग काफी इजी कैच था क्या लग रहा है अशोक किस कारण कैच छूट गया बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही थी एक छक्का लगा था बाद में एक मौका बन गया था कैच लेना चाहिए था एक रन भी जुड़ गया स्कोर के खाते में पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ और पांच ओवर के बाद 41 आने वाले मैच का टॉस हो चुका स्टार हिटर्स कलंगुट ने टॉस जीता है फील्डिंग कर रही है और कांडोलिम स्ट्राइकर्स को बल्लेबाजी दी सभी टीमों के खिलाड़ियों के लिए जानकारी है दोस्तों दोपहर में बिल्कुल ब्रेक नहीं है लगातार मैच शुरू रहेंगे सभी खिलाड़ियों के लिए यह बिल्कुल थोड़ी सी हम जानकारी दे रहे हैं तो विनायक सर बिल्कुल स्कोर हो चुका है 41 लास्ट ओवर सर बिल्कुल मैच में पहले इनिंग में जैसे कि पिच खेल रहे हैं शायद पार स्कोर भी रह सकता है इस मैच में गेंदबाज पिच का काफी अच्छा फायदा उठा रहे हैं जो सीम और स्विंग कर रहे हैं जो हरी घास है पिच पे उसका और उसी तरह पूरे प्लानिंग के साथ यहां पे उतरे थे आज कलंगुट शानदार योगा स्मैशर्स पूरा बांध के रखा अभी तक साल दी गोवा की टीम को ओवर पिच गेंद एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सुपर क्रू सिक्सर पहली गेंद लास्ट गेंद की थी उसी का फायदा हर छह रन के लिए
इसी के साथ 46 रन फर्स्ट ऑल दी गोवा लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस 47 टोटल स्कोर सॉरी 47 चले सर बिल्कुल एक कैच छूटा था कैच के बाद एक छक्का लगा लेकिन उसके बाद सामने बिल्कुल प्लाप पा गए और जुड़ आउट करो वापस एलबीडब्ल्यू कर अगले मैच के लिए दोनों टीम बिल्कुल एक इनिंग जरूर बाकी है लेकिन दोनों टीम दोस्तों थोड़े से समय की कमी जरूर है आज आधे घंटे के देरी से जो कि बिल्कुल मैच हो रहे मैदान पर तो आप बिल्कुल हमारा साथ दे इस मैदान पर स्कोर हो चुका है टोटल 47 पांच विकेट के नुकसान पर 47 रन आखिरी ओवर का खेल अंतिम ओवर का अभी भी जारी और गेंदबाजी कर रहे अश्विन न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं रवि छोटी गेंद बैकपॉइंट पर निकले बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ फील्डर गेंद के पीछे और लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका जब तक थ्रो करते स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन मिले स्कोर में दो रन के साथ स्कोर पहुंचा 49 पर 49 पांच विकेट के नुकसान पर साल्दी गोवा क्रिकेट टीम बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद स्लिप पर निशाना लगाया था लेकिन नहीं लगी गेंद स्टंपों पे एक रन 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के मौका जरूर था रनआउट का लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पे निशाना बिल्कुल नहीं लगा और इस बीच में एक रन बन गया स्कोर के खाते में 50 पर पहुंचा टोटल पांच विकेट की शफल हुए बढ़िया शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर फिर से एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज देखना होगा रनआउट का खतरा होगा नॉन स्ट्राइक रन पर मौका बनेगा इस बार बिल्कुल मौका था लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाया हाथों में और इसी बीच में दो रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में दो रन बने और दो रन के साथ स्कोर हो चुका है 52 लॉस ऑफ 5 विकेट लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस लास्ट बॉल टू गो इस बार ऑन दी रन थोड़ा सा खेला क्या दूसरे रन के लिए निकलेगा मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्डिंग करते थ्रो करते फिर से गलती कर बैठे नॉन स्ट्राइक रन पर गेंदबाज अश्विन दो रन मिले स्कोर के खाते में और इन दो रन के साथ छह ओवर का खेल जो समाप्त हुआ टोटल हो चुका है 54 और टारगेट है 55 रनों का 55 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए शांता दुर्गा
तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला साल्दी गोवा और शांतादुर्गा स्मैशर के बीच में। पहले टॉस जीता गेंदबाजी की शांतादुर्गा मैशर्स टीम ने और बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया साल्दी गोवा टीम को। तो 6 ओवर में 54 रन बनाए और 55 रनों का एक अच्छा टोटल, सम्मानजनक स्कोर टोटल इस मैदान पर रखा है। देखना है ओपनिंग जोड़ी दुर्गा और उदय मैदान के भीतर जाते हुए। हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल मैं प्रशांत शिरोडकर और मेरे साथ अशोक जी नाइक सर शिरोडा से बिलोंग करते हुए। पहले मैं 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए यहां पर दो, उसके बाद 3 ओवर का आपके सामने आंखों देखा हाल सुनेंगे। बिल्कुल हमारे एक पूरे महाराष्ट्र और गोवा राज्य में जिनको पहचाना जाता है, गोवा राज्य में हर एक कोने में उनका नाम लिया जाता है, हमारे अशोक जी नाइक सर आएंगे। तो देखते हैं ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर दुर्गा और उदय। स्ट्राइक पर बायत के बल्लेबाज दुर्गा जा चुके हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर उदय। गेंदबाजी के लिए नागेश हमारे बिल्कुल कमेंट कक्ष सामने से गेंदबाजी करेंगे। इस मैच के अंपायर सिद्धेश शर्मालकर और गणेश सौदेसाई सर। राउंड एक निकल पड़े नागेश, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर से खींचकर लाया इस गेंद को और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे नितिन, थोड़े से फंबल होते हुए मात्र दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। दो रन के चलते खाता खोला दुर्गा ने अपने टीम का 55 रनों के जवाब में। एक अच्छा टोटल जरूर रखा है लेकिन यहाँ पर ग्राउंड फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए तभी आप इस लक्ष्य को डिपेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी है, सामने अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से, जो कि दो गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन। नागेश राउंड विकेट छोटे रन अप के साथ शॉर्ट पिच गेंद पुल किया टॉप पिच और ऊपर लगती हुई गेंद और सीधे पाए गए फील्डर के हाथों में। बड़ा विकेट, बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर नागेश के लिए। 55 रनों के जवाब में पहला विकेट 2 रन पर गिरता हुआ डीजे। यहाँ पर अश्विन आए और गए और एक खराब शुरुआत यहाँ पर होती हुई शांतादुर्गा मैसेज टीम की। गेंदबाजी जो कि 55 रनों के जवाब में पूरी तरफ लटकाती थैंक यू डीजे। न्यू बैटर निकले मैदान पर रुक करते हुए अवित बल्लेबाजी के लिए। थोड़ी सी लटकाती हुई बारी है, यहाँ पर एक साझेदारी करनी होगी अपने इस टोटल के ओर जाना चाहते थे। तीसरा क्वार्टर फाइनल का एक बड़ा मुकाबला इस वर्ष कड़े धूप में। बिल्कुल मैदान बहुत ही बढ़िया है, आउटफील्ड अच्छी दिखाई देती हुई, बड़ा मैदान है और पहले पावर प्ले के ओवर में शुरू में विकेट गिर चुके हैं गुच्छे में। ऑन अ हैट्रिक नागेश गेंदबाजी के लिए। राउंड विकेट पांचवी गेंद लेकर बड़ा शॉट इस भी जाता हुआ फील्डर गेंद के ऊपर, क्या ये हैट्रिक हो सकती है? और इसी के साथ ही हैट्रिक नागेश के लिए होती हुई, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर मात्र 2 रन डीजे।
पिच थोड़ी गेंदबाजों के लिए अच्छी खेल रही है, उसी का पूरा फायदा उठा रहे गेंदबाज वहां पे। बिल्कुल सर, यहां पर बेहतरीन तारीफ करने होगी पावर प्ले के ओवर में। शुरू के इतने आसान नहीं रहता गेंदबाजी करना, दो फील्डर सिर्फ 38 सर्कल के बाहर होते और उसी की बदौलत यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ती। लेकिन क्या शुरुआत गेंदबाज की नागेश की, हैट्रिक इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। आखिरी गेंद लेकर राउंड विकेट फिर से निकल पड़े बबलू के लिए। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को, कोई जख्म नहीं उठाया बल्लेबाज ने। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या देख के जाए तो शांतादुर्गा स्मैशर टीम के 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर डिजे। यहाँ पे जीतने के लिए शांतादुर्गा स्मैशर्स को साल दिया गया। उन्होंने अपने पहले ओवर में पूरा गेम का दारोमदार चेंज कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया। यहाँ पे हेलो बॉलर ने हेलो दूसरा और प्रगति पर आते आते स्वागत किया गेंदबाज का। गेंद सीमा रेखा के बाहर डिप का कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गणेश गेंदबाजी के लिए आते आते स्वागत किया बल्लेबाज ने और हाथ खोल दे बल्लेबाज ने। पूरा मौका था बल्लेबाज के पास, इस बल्लेबाज में वो क्षमता है। अभी भी मैच बना हुआ है क्योंकि अगर गणेश बबलू और उदय दूसरी गेंद लेकर कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए धीमी पे की गेंद, बिल्कुल बढ़िया शॉट। इस बीच इंतजार किया गेंद का, जब तक गेंद को फील्ड करते डीप पर सिंगल चुरा लिया, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 9 रन पर 55 रनों के जवाब में। सनसिपल क्रिकेट इसके पहले गेंद के ऊपर एक छक्का लगाया लेकिन सिंगल चुरा लिया और स्ट्राइक पर बबलू नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। 55 रन है सामने, शुरू में विकेट जरूर गिरी है लेकिन शांतादुर्गा टीम की बात की जाए तो बल्लेबाजी में गहराई है इनकी टीम में, तो कभी भी इस मैच में वापसी कर सकते हैं दोनों बल्लेबाज, खासतौर पर उदय पर सारी दारोमदार होगी। गणेश तीसरी गेंद लेकर राइट ओवर देके ओवर की और सामने बबलू बल्लेबाजी, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया इस बार फिर से लेकिन पूरे कंट्रोल में थे, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के चलते रन संख्या 2 में जाती हुई 10 पर 3 विकेट के नुकसान पर। नागेश का पहला ओवर क्या बेहतरीन ओवर, हैट्रिक ली थी उस ओवर में और केवल 2 रन खर्च किए थे उस ओवर में। गणेश निकल पड़े गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े गए, 4th विकेट गिरता हुआ इस बीच और गणेश के लिए मिलती हुई ये पहली सफलता। बबलू बैक टू चार विकेट यहां पे 10 रन पे यहां पे शांतादुर्गा स्मैशर्स के पतंग हो चुके हैं। अगले बल्लेबाज आए हैं बबलू का साथ देने के लिए विजय, जो पिच में पूरी नमी थी उसका पूरा फायदा उठाया यहां पे साल दिगोवा के गेंदबाजों ने। 12th man रुपेश जोशी, रिक्वेस्टेड गणेश ईश्वर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार रन संख्या 10 पर अगली गेंद क्या था।
और जब तक फील्डर थोड़े से फंबल होते हैं, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। आते आते दो रन के सहयोग से खाता खोला विजय ने, स्कोर पहुंचा 12 रन पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 55 रनों के जवाब में दूसरा ओवर जो की प्रगति पर चलता हुआ, क्या तगड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। शंकर स्मैशेस वर्सेस द गणेश। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से धीमी गति की गेंद, पहले जल्दी खेल बैठे इस गेंद को। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तो दो ओवर का खेल लगभग पूरा हो चुका है और दो ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर शांता दुर्गा मैसेज टीम की। अर्पणा वर्सेस द अर्पणा हिल्स वर्सेस द डबी मैच थी, वो मैच काटी की टक्कर में सनराम अर्पणा ने जीती थे। उसी तरह दूसरी मैच हसन फाइटर्स ने अच्छा स्कोर, लो स्कोर डिफेंड किया था और ये तीसरी मैच, दिस थर्ड क्वार्टर फाइनल फॉर द डे। और ये सब आपको लाइव हो रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे, उसका पूरा शो रहता है सुपर क्रिकेट टीम पुणे लीग सीईओ सुरेश मयेकर, तो सर सुपर कप एवं सागर सकलकर एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अच्छी गेंदबाजी, नितिन गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर, तसेच पार्टिसिपेट के लिए सगळ्या प्लेयरांग हमचे सीईओ सुरेश मयेकर कडून स्पेशल मोमेंटो गिफ्ट दिले सगळ्यांना। CPL राउंड विकेट, नितिन गेंदबाजी के लिए, बड़ा शॉट इस गेंद के ऊपर, फील्डर काफी दूर खड़े थे, दो फील्डर के बीच में से गेंद निकलती सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल सर, अभी भी एक सुपर क्रू ओवर आने वाला है, उसमें 11 के 11 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे। तो यहाँ पर बल्लेबाज को एक सोचना होगा कि सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक पर रोटेट करना होगा, खराब गेंद के ऊपर फायदा उठाना चाहिए और बाद में जब सुपर क्रू ओवर आएगा उस ओवर में एक ओवर को बड़ा करना चाहिए। पूरा दरंगदार अभी संदीप स्मिथ का उसी ओवर पे बचा हुआ है और उनके बल्लेबाज बबलू और विजय, अब भी एक चौका लगाया था बबलू ने, स्कोर तालिका में इजाफा, 16 रन हुए थे बोर्ड पे। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, गेंदबाज है सर्वर साल्डी गोवा की तरफ से, बल्लेबाज है बबलू और काफी रोमांचक और कांटेदार मुकाबला है यहाँ पे बोर्ड कवर्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, फुल हाउस है आज यहाँ पे सुपर संडे वीकेंड से।
बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला होने वाला है। नितिन गेंदबाजी के लिए चल पड़े और सामने स्ट्राइक बल्लेबाज बबलू बल्लेबाजी करते हुए, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेग्स और मिडल स्टंप के बीच में से गेंद थोड़ी सी ऊपर उठी हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या रुकी हुई 16 पर, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद लेकर नितिन राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से बड़ा शॉट बिल्कुल सामने खेला, ज्ञान सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई, एक बड़ा शॉट आता हुआ यहां पर बबलू के बल्ले से। गेंद फील्ड हो जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, अभी भी 33 रन चाहिए आने वाले 19 गेंदों के ऊपर, सब कुछ हो सकता है इस मैच में, अभी भी एक बड़ा ओवर आना बाकी है नितिन गेंदबाजी के लिए। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की, डेप मिड विकेट पर गेंद जाती, गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल के लिए निकल गए दोनों बल्लेबाज, सिंगल पर निर्भर रह गए, दूसरी रन की कोई गुंजाइश नहीं, और इसी के चलते तीसरा ओवर पूरा होता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 23 पर पहुंचती हुई। चार विकेट के नुकसान पर स्कोर है, जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य रखा है और आने वाली 18 गेंदें बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 30 रनों की जरूरत है। सुपर क्रिटिकल प्ले ओवर का इशारा एम्पायर गणेश का, गेंदे 32 रन की जरूरत है यहाँ पे जीतने के लिए शानदार होगा मैचेस के लिए। फर्स्ट गणेश सुपर क्रिटिकल का इशारा किया था बबलू ने, तो गणेश ने कमान संभाली है यहाँ पे, सुपर क्रिटिकल पूरा दारोमदार अभी उनके सर पे है। अगर ओवर ये जैसे कि करो या मरो ओवर है यहाँ पे साल दिग्गज के लिए, ये ओवर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्रशांत जी आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये ओवर डिपेंड करेगा, इस ओवर में सब कुछ देखने को मिलेगा। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया रही है डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए गणेश, जैसे कि मैं कहता हूँ जैसे डॉट गोल ये ओवर में मतलब वर्थ इन गोल जैसे बोल सकते हैं हम। जी हाँ, अगर इस ओवर में 10-15 रन गए तो शायद मैच फिर से शांतादुर्गा की ओर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गणेश को एक ध्यान देना होगा, 38 सर्कल के अंदर 11 खिलाड़ी है, तो खराब गेंद डालेंगे तो फायदा उठाएंगे बल्लेबाज, लेकिन गति परिवर्तन सही मिश्रण कर रहे गेंदबाजी में अपने, लेग कटर गेंद थी बिल्कुल, दो गेंदे डॉट निकालने में कामयाब होते हुए, जो अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम में ला रहे हैं गणेश, जैसे कि लग रहे हैं पहली धीमी गेंद की थी कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, उसी तरह ये तेज गेंद फेंकी और चकमा दे रहे बबलू को, यहाँ पे कोई मौका नहीं दे रहे बबलू का हाथ खोलने का यहाँ पे। जी हाँ, अभी भी 16 गेंदे हैं और जीतने के लिए 32 रन इस मैच को, 4 विकेटें गिर चुके हैं लेकिन इसके दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बन रही, अच्छी बल्लेबाजी बबलू कर रहे, लेकिन कुछ इस दो गेंदों के ऊपर देखा जाए तो इस बार बिल्कुल बढ़िया शॉट आगे डाली और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, तीसरी गेंद के बॉलर बैट के बीच में समान अंतर है यहाँ पे, अभी तक तो चल रहा है यहाँ पे दिख रहा है हमको। जी हाँ, दोनों तरफ 50-50% ये मुकाबला जाएगा, क्योंकि अभी भी मैच में जान है दोनों तरफ, दोनों को भी मौका बनेगा, और तीसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा चक्का। उसी तरह हमारा यूट्यूब व्यूअरशिप भी यहाँ पे बढ़ रहा है, कलंगुट प्रीमियर लीग का क्रेज यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है सीपीएल, उसी तरह यूट्यूब व्यूअरशिप देख के यहाँ पे हमारे सीईओ सुदेश मेहकर भी काफी खुश रहे हैं। 15 गेंदे और जीतने के लिए 26 रन, बबलो ऑन फायर, छोटी गेंद थोड़ी सी गति परिवर्तन किया था इस गेंद ने, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल के साथ निकलती हुई। 4 गेंदों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है, 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए, आने वाली 2 गेंदे और सामने है बबलू बल्लेबाजी के लिए, 14 गेंदे और 26 रन जीतने के लिए इस मैच को, तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला दिखाई देता हुआ इस मैदान पर। फिर से पुल किया, इंतजार किया इस गेंद का, गेंद सीमा रेखा के बाहर डीप का कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए जाती हुई,
जैसे कि हम कहते हैं आईपीएल में जब धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं तब टू क्रॉस लाइव व्यूअरशिप होते हैं, उसी तरह कलंगुट प्रीमियर लीग के ये मैच में 5000 लाइव व्यूअर्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्रेज है कलंगुट प्रीमियर लीग का और इसी क्रेज में यहाँ पे मजा ला रहे हैं बबलू। 13 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन चाहिए, स्कोर है 35, 12 रन अभी तक इस ओवर से 5 गेंदों के ऊपर। फिर से अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, 12 रन दे चुके इस ओवर में, लेकिन अभी भी मैच बना हुआ है। आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए शांतादुर्गा मैसेज टीम को चाहिए 20 रन, 10 रन प्रति ओवर यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए। सर्वर जो की गेंदबाजी के लिए पांचवा ओवर टीम की ओर से और निजी कोटे का पहला ओवर, ये ओवर बहुत ही बड़े मायने रखेगा इस मैच में। देखना होगा 20 रन चाहिए 12 गेंदों के ऊपर, यानी कि प्रति ओवर में 10 रन बनाने पड़ेंगे। स्ट्राइकर विजय नॉन स्ट्राइक एंड पर एक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे बबलू, उनको यहां पर आखिर तक रहना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद विकेट कीपर फील्ड करते, कोई रन नहीं, बची हुई 11 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। यहां पर बल्लेबाज को सोचना चाहिए, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर बबलू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तो उनको स्ट्राइक देना चाहिए। 11 गेंदे और 20 रन, तीसरे क्वार्टर फाइनल के एक बड़े मुकाबले में, दोपहर के सत्र में कड़े धूप में कड़ा संघर्ष दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, अल्टे पलटे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आने वाली 10 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 20 रन, स्कोर है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सरोवर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अभी तक 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाब होते हुए आगे निकल कर गए। कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन टाइमिंग, प्रेशर हटा दिया अपने आप पर, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी को कहते हैं मजेदार और कांटेदार मुकाबला हो रहा है। कभी शांतादुर्गा स्मैशर्स का डगआउट खुश होता है तो कभी शांतादुर्गा का डगआउट खुश हो रहा है। यहाँ पे काफी मजा आ रहा है और जीतने के लिए 14 रन चाहिए, 9 गेंदे और 14 रन, क्या बेहतरीन मुकाबला। और ये फुल हाउस जैसे रोमांचक मुकाबला देखना चाहता है यहाँ पे हेडबोर्ड कवर्ड स्टेडियम, और वही मजा ला रहे हैं यहाँ पे शांतादुर्गा स्मैशर्स वर्सेस द साल्डी गोवा। शुरू के पहले ओवर में काफी दबाव डाल दिया था साल्डी गोवा टीम ने शांतादुर्गा के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या, ये दोनों बल्लेबाजों की वापसी, बेहतरीन वापसी करते हुए 9 गेंदे और 14 रन। सरोवर इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने विजय बल्लेबाजी के लिए, फिर से चपल हो गए मिड विकेट पर, एक आसान सा कैच देते हुए सीधे फील्डर को चुन लिया, गलत समय पर यहां पर विकेट गिरा। और बची हुई 8 गेंदे और चाहिए जीतने के लिए 14 रन। जैसे प्रशांत जी मैं कह रहा था अभी भी सीस और बैटल अभी भी चल रहा है मैच में, अभी भी पता नहीं चल रहा है कौन सा पंगड़ा भारी है, और इसी का आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे हमारे बोरकावाड़ा स्टेडियम पे, उसी तरह यूट्यूब लाइव पे जो 5000 लाइव पर्सन जो मैच देख रहे हैं यहाँ पे, क्रेज यहाँ पे बढ़ा रहे हैं कलंगुट प्रीमियर लीग का। अभी भी इस मैच में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि बल्लेबाज एक आउट होकर वापस लौटा है, पांचवा विकेट का पतन और 8 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 14 रन। न्यू बैटर मैदान पर रुक करते हुए अनिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर बबलू और गेंदबाजी के लिए सरोवर वापसी करते हुए। 8 गेंदे 14 रन चाहिए जीतने के लिए अभी तक यहाँ पे शांतादुर्गा स्मैशर्स को। गेंदबाज है सरोवर, बल्लेबाज है अनिल, खूबसूरत नजारा यहाँ पे।
और इस बीच टॉप एज लगा, फील्डर को चूर ले, विकेट कीपर गेंद के ऊपर आते और इसी के साथ फिर से एक बार मैच अलग मोड में आ चुका है। आने वाली 7 गेंदे 14 रन और नए क्या गेंदबाजी रही है। इस ओवर में एक छक्का जरूर खा चुके हैं। 5 गेंदों के ऊपर 6 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। बैक टू बैक 2 विकेट विजय और अनिल को चलता किया। ऑन हैट्रिक गेंदबाज। नागेश ने पहले ओवर में हैट्रिक कर चुके हैं। देखना इसी मैच में उनके गेंदबाज सरोवर इस हैट्रिक गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। 7 गेंदे 14 रन। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्लेबाज को पूरी तरफ खामोश रखने वाली गेंद थी और आखिरी ओवर बच चुका है और जीतने के लिए चाहिए 14 रन। इस ओवर में 6 रन देकर 2 सफलता हासिल की। क्या टर्निंग पॉइंट ओवर रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी। डिफेंड करने के लिए साल्डो रवा ने गेंद थमाई है रवि को। बल्लेबाज से स्ट्राइक पे बबलू जिन्होंने सुपर छक्के लगाए थे। टीम मैनेजर चाहेंगे जावेद की ये ओवर में बबलू कुछ कमाल कर पाए, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे टीम मैनेजर सुनील भी चाहेंगे कि रवि ने अगर दो तीन गेंदे की तो मैच अपने हाथ भी हो सकता है, अपनी तरफ हो सकता है यहाँ पे साल्ड गोवा के लिए। लाइन से बैठ के वहां पे रवि पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी भारी है, गेंद टेलीग्राम मिलता है वापस शॉट ऑफ मैचेस के लिए। इसी के साथ 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत यहाँ पे जीतने के लिए। टेंस मोमेंट है दोनों डगआउट में, यहाँ पे काफी टेंस लग रहा है टीमों ने से में। उसी तरह टीम साल्ड गोवा के डगआउट में काफी टेंस लग रहा है, प्रेशर ले रहे हैं यहाँ पे रवि ऑप्शन के बाहर। त्रिक रन देते हुए यहाँ पे सेंटर के स्मैशर को 12 रन अभी चाहिए अपने निर्धारित 6 गेंदों में जीतने के लिए सेंटर के स्मैशर को। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद और यहां पर वापसी की गेंदबाज ने।
मैच जिताने के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, रन लेने की कोशिश, बल्लेबाज की स्ट्राइक पर आना चाहते थे, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन मिलेगा, लेकिन एक विकेट भी गिर चुका है इस बीच। हमला को अपना विकेट सेक्रीफाइस करना पड़ा वहां पे अनिल को स्ट्राइक पे लाने के लिए। इसी के साथ वाइड ड्रॉ, वाइड का एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, पांच गेंदों में 11 रन की जरूरत अभी तक जीतने के लिए शांत दुर्गा स्मैशर्स के लिए। बचे हुई पांच गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए, पांच गेंदों में 11 रन की जरूरत यहां पर जीतने के लिए शांत दुर्गा स्मैशर्स के लिए। अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है इस मुकाबले का, किस ओर जा रहा है ये अगली गेंद आ रही है। रवि बल्लेबाज अनिल और पिच गेंद इसी के साथ दोबारा जीत गए यहां पे। ओहो बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी, कुछ तीन गेंदे वाइड जरूर डाली लेकिन विकेट यहां पर खोती हुई शांत दुर्गा। जैसे कि मैं कह रहा था कप्तान सिविल ने दाएं अंदर पूरा रवि के ऊपर समाया था आगे के छह गेंदे डिफेंड करने के लिए अपनी टीम के लिए, उसी पे खड़े उतर रहे हैं अभी रवि, जो पिच का पूरा फायदा है वो उठा रहे, स्विम और स्विंग करके विकेट ले रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ सर, एक बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज की, बेहतरीन गेंदबाजी और पूरी तरह दबाव में दिखाई देती हुई यहाँ पर शांत दुर्गा टीम, सात विकेट गिर चुके न्यू बैटर मैदान पर रुक करते हुए। जीतू इस बीच अड़े बल्ले के साथ खेला, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे केवल एक रन मिलेगा, एक रन के चलते रन संख्या 45 पर जाती हुई, 10 रन चाहिए आने वाली तीन गेंदे में, तीन गेंदे और जीतने के लिए 10 रन चाहिए इस मैच को। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, एक अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ इस तीसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, सभी दर्शकों को दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला ये मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, एक तरफ उस तरफ ये मुकाबला जाता हुआ, कभी सल्दी गोवा की ओर से तो कभी ओ खराब गेंद थी, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन केवल सिंगल मिलेगा, सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ा 40 रन। दो गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 9 रन, दो गेंदे और 9 रन, एक अच्छा मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिलता हुआ। और थोड़े से चप्पल हो गए, टॉप एज लगा फील्डर गेंद के ऊपर और कोई गलती नहीं की इस बीच फील्डर ने, और पूरी तरह इस मैच में एक अच्छी पकड़ जमाई रखी है साल्दी गोवा टीम ने।